आज आप सबको इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में आधुनिक शिक्षा पर चर्चा करेंगे। आधुनिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के स्वतंत्रता पूर्व इतिहास को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम है ईस्ट इंडिया कंपनी का, दूसरा है आलिया मिंट का शासनकाल। लेकिन उस समय भारत में प्रचलित देशी शिक्षा व्यवस्था का वर्ण है। देशी शिक्षा व्यवस्था देशी शिक्षा व्यवस्था 1975 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लिया। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेजों द्वारा की गई जांच से यह निष्कर्ष निकला कि भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए पाठशालाओं व मदरसों का जाल था। देशी शिक्षा संबंधी सर्वप्रथम जांच सन 1922 में सर थॉमस मुनरो ने करवाई। इतिहासकार मिल के अनुसार मद्रास के प्रत्येक गांव में एक प्राइमरी स्कूल था जिसमें विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम थी। सभी विद्यालयों का पाठ्यक्रम समान नहीं था। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता था वह 14 या 15 वर्ष की आयु में छोड़ता था। शिक्षण विधि का प्रमुख आधार बालचर प्रणाली थी। इस प्रकार भारत में 19वीं सदी में प्राथमिक शिक्षा का उचित प्रबंध था और वह इस देश की प्राचीन परंपराओं पर आधारित थी। प्राथमिक शिक्षा के विद्यालय अति विशाल संख्या में संपूर्ण देश में फैले हुए थे। लॉर्ड डलहौजी ने प्राथमिक विद्यालयों में को प्रोत्साहित किया। 1856 में 33 प्राथमिक विद्यालय खुलवाए जिनमें 1400 विद्यार्थी पढ़ते थे। प्रशासन को सुविधा के लिए 1842 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया। इन नव निर्मित प्रदेश का नाम 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा
वह अवध पड़ा जो अब उत्तर प्रदेश कहा जाता है। 1842 तक इस प्रांत में आगरा, दिल्ली, बनारस में कॉलेज स्थापित किए जा चुके थे। 1843 ईस्वी में जेम्स थॉमसन इस प्रांत का गवर्नर नियुक्त हुआ। थॉमसन ने द्वितीय योजना तैयार की। इस योजना के अनुसार देशी विद्यालयों का जीर्णोद्धार व प्रत्येक तहसील में आदर्श स्कूल का निर्माण हुआ। 1851 में थॉमसन ने मथुरा के जिलाधीश अल्जेक्टर के साथ मिलकर हल्का बंदी स्कूल प्रणाली के नाम से एक विस्तृत योजना बनाई। कुछ ग्रामों को मिलाकर एक हल्का यह क्षेत्र बना दिया गया। उसमें एक प्राथमिक विद्यालय खोल दिया गया। 1854 ईस्वी में इस प्रकार के 758 विद्यालय थे, जिनमें 17,000 विद्यार्थी थे। अगला पॉइंट कंपनी का शासनकाल। कंपनी का शासन का कंपनी का शासन काल 1757 से 1858 है। 1757 से 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हितों की पूर्ति व नवबिजी प्रदेशों के निवासियों की सद्भावना प्राप्त करने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता मदरसा, बनारस संस्कृत कॉलेज, पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। लेकिन प्राथमिक शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस शिक्षा के संबंध में केवल 2 शासकों गवर्नर डलहौजी, जिन्होंने 1854 में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की, व गवर्नर थॉमसन ने ध्यान दिया। परंतु कंपनी ने धन लोलुपता के वशीभूत होकर अपने नव स्थापित राज्य को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से प्रचलित देशी विद्यालयों को, जो अति प्राचीन काल से भारतीय शिक्षा व संस्कृति के केंद्र थे, धन के अभाव के कारण समय से पहले ही खत्म कर दिए। अगला पॉइंट है पार्लियामेंट का शासनकाल। पार्लियामेंट का शासन
का शासनकाल नवंबर 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी शासन का अंत कर विक्टोरिया को भारत की सामंती घोषित किया। 1859 में लॉर्ड स्टैनले जो तत्कालीन भारत मंत्री थे, भारतीय शिक्षा के संबंध में एक आदेश जारी किया कि जिसे स्टैनले का आदेश पत्र कहा जाता है। इस आदेश पत्र में उसने भारत सरकार को प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी लेने को कहा। इसके व्यय की पूर्ति के लिए अनिवार्य स्थानीय कर लगाने का परामर्श दिया। 1882 में सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय संस्थाओं को सौंप कर अपने एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व की अवहेलना की, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा में गतिहीनता आ गई। इस बात का वर्णन 1904 में शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव में अंकित किया गया। संपूर्ण जनसंख्या के 15% बच्चों में से केवल छठवें भाग से कुछ अधिक को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होती है। हाल ही के वर्षों में प्राथमिक शिक्षा अवरुद्ध हो गई। भारत सरकार इस निष्कर्ष की उपेक्षा नहीं कर सकती कि प्राथमिक शिक्षा को इस समय तक अपर्याप्त धन व ध्यान प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है अनिवार्य शिक्षा के प्रारंभिक प्रयास। अनिवार्य शिक्षा के प्रारंभिक प्रयास अनिवार्य शिक्षा के प्रारंभिक प्रयास 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में देश में स्वतंत्रता की लहर शुरू हो गई थी। देशभक्ति की भावना से संपूर्ण देश सराबोर हो रहा था तथा भारतीय नेता देशवासियों के उत्थान के लिए शिक्षा की महत्व को प्रतिपादित कर रहे थे। इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाने के की दिशा में दो प्रसिद्ध शिक्षा प्रेमियों ने काम किया। पहले है बड़ौदा नरेश महाराज सयाजी राव गायकवाड़। दूसरे ख्याल का समाज से गोपाल गोखले।
प्रदेश का प्रथम प्रयास बड़ौदा नरेश का प्रथम प्रयास 1906 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने बलपूर्वक यह घोषित किया कि अनिवार्य शिक्षा के वो बंबई नगर में शुरू करना असंभव, परंतु इस असंभव कार्य को बंबई की अपेक्षा छोटे व अपेक्षा के निर्धन बड़ौदा राज्य में महाराष्ट्र संभाजीराव गायकवाड़ ने संभव कर दिया। उन्होंने परीक्षण के रूप में अपनी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा योजना को 1803 ईस्वी में राज्य के अमरेली तालुका के 9 गांवों में शुरू किया। इस योजना के अनुसार गांव के 7 से 12 वर्ष की आयु के समस्त बालक व 7 से 10 वर्ष तक की समस्त बालिकाओं को की प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य देने की घोषणा की। 1906 ईस्वी में एक अधिनियम बनाकर उन्होंने अपने राज्य के सभी बालक व बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बना दिया। अगला पॉइंट है आपका गोखले का प्रयास। गोखले का गोखले का प्रयास 1910 ईस्वी में बड़ौदा नरेश के सफल परीक्षण का गोपाल कृष्ण घोष गोखले पर बहुत प्रभाव पड़ा। उनके मन में इस विचार ने जन्म किया कि जिस कार्य को सीमित साधनों वाला छोटा राज्य कर सकता है तो उस कार्य को पर्याप्त संपन्न ब्रिटिश भारत कहीं अधिक सफलता से कर सकता है। गोखले उस समय केंद्रीय धारा सभा के सदस्य थे, अतः उन्होंने इस सभा के माध्यम से भारत सरकार को प्राथमिक शिक्षा की दिशा में क्रियाशील बनाने का संकल्प किया। अपने संकल्प के अनुसार गोखले ने 19 मार्च 1910 ईस्वी को केंद्रीय धारा सभा के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह सभा सिफारिश करती है कि संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाने का कार्य
प्रारंभ किया जाए, इस विषय में प्रस्ताव का निर्माण करने के लिए सरकारी व गैर सरकारी अधिकारियों का एक संयुक्त आयोग शीघ्र ही नियुक्त किया जाए। सरकार ने गोखले को आश्वासन दिया कि वह उनके प्रस्ताव पर विचार करेंगे। इस आश्वासन के बाद गोखले ने अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया। तड़प पॉइंट है गोखले का विधेयक एक वर्ष बाद तक भी प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाने की दिशा में एक भी कदम नहीं उठाया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप गोखले ने 16 मार्च 1911 को केंद्रीय धारा सभा के समक्ष प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा, इस विधेयक का उद्देश्य देश की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में अनिवार्यता के सिद्धांत का क्रमशः करना लागू करना है। आप लोगों को एक प्रश्न दिया जा रहा है, लार्ड प्रश्न है, लार्ड मैकाले ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया नैस्तिक गुण के घोषणा पत्र पर चर्चा करेंगे।